उनसे मिलवाऊंगी। आज वो आपको डायरेक्ट दही जमाना सिखाएंगे, जिनसे मैंने दही जमाना खुद सीखा है, और वो हैं मेरे पप्पा जी। पप्पा जी, मेरे प्यारे बच्चों, दही बनाया तो बहुत है, लेकिन आज मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाता हूँ कि दही कैसे बनाई जाती है। पप्पा थोड़ा सा बताएं जरा, ये अभी आप क्या कर रहे हैं? ये दही मैं कुंडे में डाल रहा हूँ। और आप सिर्फ ये देखें कि पप्पा किस तरह डायरेक्ट, पप्पा ये जो ऊपर से डालना होता है झाग बनाना, इससे क्या फायदा होता है वैसे? बलाई बनती, बलाई इसी से बनती है। बलाई मतलब ऊपर से करने में, झाग बनाने में बलाई आती है? बिल्कुल, नो डाउट। और बड़ी तगड़ी जब बलाई जो है ना वो आती है, आप लोग ये ट्राई जरूर कीजिएगा। ये देखें जरा, ये इस तरह आपने ऊपर से करके दूध को ऐसे डालना है। ये देख रहे हैं आप झाग कैसा बन रहा है, ये देखें। अच्छा पप्पा, आपने दूध कितनी देर तक पकाया था? दूध 1 घंटा पकाया। पप्पा ने ये दूध ऊपर से डालने के लिए स्पेशल कप मंगवाया था। ये मग्गा मैंने स्पेशल इसीलिए मंगवाया था। और पप्पा ने खास मुझे कहा था कि ये वाला कप लेकर आओ, जिससे मैं दूध को ऊपर तक ले जाके ऐसे डालूं और इस तरीके से झाग बने। अच्छा पप्पा, इसको तेज आंच पे पकाया था दूध को? हल्की आंच। पप्पा इतने मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला पप्पा की जो रेसिपीज़ होती हैं वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी, बल्कि पप्पा खुद, पप्पा आप बनाना सिखाएंगे सबको? एक दफा मेरे हाथ का खा लिया ना, हाँ, तो बस फिर चाटते रह जाओगे उंगलियाँ। अच्छा, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे भाई। पप्पा अब इसको रखेंगे कैसे दही को? ऐसे रख रहा हूँ मैं, सामने देख रहा हूँ, हाँ, स्लाइड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बस देखें, ये स्लाइड करके लेकर जा रहे हैं पप्पा पूरा कुंडा। पप्पा छन्ना नहीं, पप्पा कह रहे हैं इस तरीके से ज़्यादा अच्छा तरीके से जमेगा दही। ये लकड़ी के 2 चम्मच पप्पा ने रख दिए हैं। पप्पा आप क्या करेंगे? बस प्लेट ढक रहा हूँ। बस प्लेट ऐसे ढक दे। ये देखिए, ये मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ, ये गैप होना चाहिए, पूरे तरीके से ढकना नहीं है। इसका जब धुआं ज़रा निकल जाएगा तो पप्पा इसके अंदर दही फिर डालेंगे वो। अच्छा पप्पा, दूध तो मैं भी बॉयल करती हूँ, लेकिन मेरे से इतना झाग नहीं आता, आपके क्या ख़ास बात होती है? दूध आप किस तरह बॉयल करते हैं? दूध बॉयल 5 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन दूध को 1 घंटा पकाना, ये है मेहनत। मैं पकाता हूँ चिराग की लौ पर। चिराग की लौ पे पकाते हैं आप पप्पा? ताकि धीरे धीरे दूध पके सही तरीके से, जभी तभी दूध में जान भी आती है, उसका जो पानी वानी भी होता है वो भी चल जाता है, और उसके बाद फिर जो कुंडे में डाला जाता है उससे झाग बनते हैं, वो खालिश बलाई होती है। दूध को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, दूध ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। फिर पप्पा ने 2 टीस्पून दही लिया और 1 टेबल स्पून दूध मिक्स करके उसको पतला करके इस तरह साइड में से पोर कर दिया है। और इस तरह अब ऊपर प्लेट वैसे ही रखकर पप्पा ने जो है वो एक रुमाल से कवर कर उसी जगह पर पप्पा तकरीबन 12 घंटे के लिए इसको स्टोर करेंगे। अच्छा पप्पा, 12 घंटे के बाद क्या होगा? उठा के फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सही कंडीशन में आ जाए। बच्चों अब आप भी दही जमाइएगा जैसे मैंने जमाया, कोशिश कीजिएगा, देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये वन जमेगा। अल्लाह हाफिज़।